हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आरएमडी में स्टार्टिंग से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये रीजन की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर में हम देखेंगे कि नीड फॉर मेंटेनेंस क्या है। ठीक है, नीड फॉर मेंटेनेंस की आवश्यकता क्या है, नीड फॉर मेंटेनेंस क्या है, अनुरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी भी फॉर्म। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वनों में अनुरक्षण की आवश्यकता को समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जो भी बिल्डिंग्स हमारे बनते हैं उनको मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, हर एक बिल्डिंग को मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें तो एक साल में 10% बिल्डिंग का जो टोटल कॉस्ट होता है उसका 10% कॉस्ट की आवश्यकता उसको पड़ती है। ठीक है ना, जैसे अगर आप बिल्डिंग बनवा है 1,00,000 रुपये का, तो उसका 10% जो भी होता है उसके मेंटेनेंस में आवश्यकता पड़ता है। इससे क्या होता है कि बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग आपकी स्टेबल बनी रहती है, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छा होता है। और बिल्डिंग क्या होती है, काफ़ी लंबे समय तक बिल्डिंग को हम चला सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक हम बिल्डिंग को यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारी बिल्डिंग की जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। ठीक है, अगर हम और चीज़ों की बात करें तो अगर हम बिल्डिंग का अनुरक्षण सही से नहीं करेंगे तो अक्सर आप देखते हैं क्या होता है, बिल्डिंग धीरे 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 होकर बिल्डिंग काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और आने वाले टाइम देखिए, जैसे आप देखें बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हो गई पुराने ज़माने की। ठीक है, ताजमहल का एग्जांपल ले लें, लाल किले का एग्जांपल ले लें, या किसी एक फोन का एग्जांपल ले लें, इनको बने 200 साल, 200 साल हो गया, 100 साल हो गया इनको बने, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं अभी इस टाइम। तो इससे ये चीज़ आप देख सकते हैं कि भवनों का अगर रख रखाव सही से किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिन तक चल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा भवनों के रख रखाव से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखिए। रख रखाव का मतलब क्या है, भवनों के मेंटेनेंस के बारे में बताया। ठीक है, क्योंकि भवनों का जो रख रखाव है या जो मेंटेनेंस होता है ना, वो एक ऐसा काम होता है जो कि सर्विसेबल कंडीशनल बनाया जाता है। ठीक है ना, मतलब सर्विसेबल कंडीशन का मतलब ये है कि एक टाइम के बाद वो चीज़ करवाना ही करवाना है। ठीक है ना, जैसे कि आप जानते हैं कि बिल्डिंग में छोटी मोटी खराबियाँ आती रहती हैं, उनमें जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं क्या होता है, खराब होता रहता है। अगर वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो या कोई और भी कंपोनेंट हो, उनमें क्या होता है, खराबियाँ आती रहती हैं। इसके वजह से भवन को नियमित रूप से नियमित समय के बाद उसमें अनुरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग में बहुत सारे फिटिंग्स होते हैं, सर्विसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जो कि एक पीरियड के बाद क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उसको बनाना होता है, उसको सही करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इस तरह से हम क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। ठीक है, आप यह तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से देख सकते हैं, भवन अनुरक्षण के लाभ। ठीक है ना, मतलब भवनों के मेंटेनेंस करने से क्या क्या लाभ है। तो आप अगर किसी चीज़ का एग्जाम्पल क्या होता है, काफ़ी सारे लाभ अगर हम किसी चीज़ का मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो साथ क्या होता है, डिस्कवरिटी क्या होती है, काफ़ी कम हो जाती है, वो चीज़ें काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो भवन जो होती है, भवन का मेंटेनेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होता है, क्योंकि जो भवनों की स्टेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पे तापमान में परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा होता है, वर्षा यहाँ पे आता है, यहाँ पे ठंडी का मौसम होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी का मौसम आता है, भूकंप आदि यहाँ पे समय समय पर आते रहते हैं। इस वजह से तो बिल्डिंग में क्या होती है, बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंटरनली रोड से उसमें चलता रहता है, इंटरनली रोड से उसमें डिटीरिएशन चलता रहता है, डीके चलता रहता है, बिल्डिंग आपकी आंतरिक रोड से धीरे धीरे खराब होती है। इस वजह से हमें समय समय से चलिए हम क्या करें, भवनों की मरम्मत करें और आवश्यकता अनुसार जो भी उनके अनुरक्षण करना पड़े उसको करें। ठीक है, और ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये पीरियडिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साल का किए और 3 साल नहीं किए। ठीक है ना, तो ये पीरियडिक होना चाहिए, हर एक समय के बाद बाद इसको क्या करना चाहिए, पीरियडिक रूप से करते रहना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आधुनिक भवनों की बात करें तो आधुनिक भवनों में क्या होता है, आधुनिक भवनों में भी अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, इनमें भी
संरक्षण करना पड़ता है। किसी भी प्रकार की कोई बिल्डिंग हो उसमें संरक्षण की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है ना। तो इसकी विस्तृत जानकारी अभी हम काफ़ी आगे पढ़ेंगे। आपने भी वैसे देखा होगा कि बहुत सारे सरकार होते हैं जो भवन में क्या करते हैं कि कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं, या फिर जो आपके वर्कर होते हैं वो बनाते समय छोड़ देते हैं, कोई ना कोई दिक्कत कर देते हैं। इस वजह से अगर हम देखा जाए तो जो हमारे बहुमंजिली इमारत होते हैं उसमें क्या होता है, उसके चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी की जगह कभी कभी हम लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, उसमें लिफ्ट के मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और अगर उसमें लिफ्ट की आवश्यकता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता को भी मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इसमें चीज़ें होती हैं, एक सराएँ होती हैं, बहुत सारे सीवेज होते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग में लीकेज की भी संभावना क्या होती है आपकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि भवनों की मरम्मत से आप क्या समझते हैं, भवनों की मरम्मत के बारे में मतलब रिपेयर का मीनिंग लिखना है, रिपेयर क्या है और रिपेयर का मीनिंग देखिए, रिपेयर क्या है, रिपेयर का मतलब होता है जो भी बिल्डिंग में आपका टूट फूट हुआ है या फिर जो भी नुकसान हुआ है उसको सही करना, या उसको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को करना। जैसे आपकी बिल्डिंग में अगर कोई खराबी हुई है या टूट फूट हुई है तो उसको सही करना, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा रिपेयर कहलाता है, ठीक है। अब आपके रिपेयर में क्या होता है, जो भी बिल्डिंग होती है उसमें जो भी टूट फूट होता है, जिस हिसाब से टूट फूट होता है, जिस हिसाब से जो खराबी होती है, उस हिसाब से हम खराबी को क्या करते हैं, उस हिसाब से हम उस खराबी को क्या करते हैं, खराबी को हम सही करते हैं, ठीक है। इससे हमारे भेदभाव को भी ज़्यादा करना और हम अपना सारा काम भी आगे आते हैं। अब आगे देखा जाए, देखिए जो भी मरम्मत कार्ड होता है, जैसे कि आप जानते हैं ये वर्कर्स के द्वारा किया जाता है, सारा जो मेंटेनेंस का काम होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये वर्कर्स के द्वारा ही किया जाता है। तो कभी कभी वर्कर्स की गलती से भी काफ़ी प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं, अक्सर आप देखते हैं कि मटेरियल सही है और सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन वर्कर्स के गलत काम करने की वजह से, वर्कर्स सही तरीके से अगर काम ना करते हैं तो भी महीने में कई तरह की समस्याएँ आ जाती हैं, ठीक है। और इसके कई सारे रीजन्स हैं, जैसे एक होता है आपका मटेरियल ही ना अच्छा हो, ठीक है, मटेरियल ही ना अच्छा हो, दूसरा जो वर्कर है वो ना अच्छा हो, और भी कई सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट खुद आता है, मौसम का इफेक्ट खुद आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है कि मरम्मत और जो अनुरक्षण है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब एक ही शब्द है, ठीक है ना। तो मरम्मत कार्य अनुरक्षण जो होता है ना, ये दोनों टूट फूट जो होते हैं ये उन्हीं को सही करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, जो अनुरक्षण का कार्य होता है ये नियमित होता है, आपका एक फिक्स इंटरवल के बाद ये होता है। तो फिक्स इंटरवल के बाद इसको करना होता है, इसे निश्चित अंतराल पे हमेशा किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, कुल राष्ट्रीय इस्पात एवं शुद्ध राष्ट्रीय इस्पात क्या खास है, ठीक है, मतलब मेंटेनेंस एंड ग्रास नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, नेशनल एंड ग्रास नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। जैसे तो आप GNP का नाम सुने होंगे, GNP एक ऐसा टर्म है जो कि क्या है, ये इकोनॉमिक्स के मार्केट में यूज किया जाता है, इकोनॉमिक्स को इसके पास क्या यूज करते हैं, ठीक है। ये मार्केट जो होता है, मार्केट की सामग्री की कुल वैल्यू का आकलन एक वर्ष में किया जाता है, ठीक है ना। अगर कोई मार्केट है तो इस मार्केट का आकलन किया जाता है कि इस मार्केट में एक साल में कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिके हैं, ठीक है ना। तो सामग्री तथा सेवाओं दोनों का आकलन करने के बाद जो उत्पाद की वैल्यू आती है उसको ज्ञात किया जाता है। उत्पाद की वैल्यू मतलब जो हमारी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की वैल्यू को ज्ञात किया जाता है एक साल का डाटा, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा GNP कहलाता है, ठीक है। GNP में क्या होता है, सामग्री का अवमूल्यन मतलब डिप्रिसिएशन के समय जो कमी हुई है, ठीक है ना, जो चीज़ों में कमी हुई है उस डिप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, उस डिप्रिसिएशन को हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना, डिप्रिसिएशन को नहीं लेते हैं। जब GNP लेते हैं तो GNP में क्या होता है, टोटल वैल्यू को हम लेके चलते हैं। अब अगर हम बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करें इसमें क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है,
सीएनपी में क्या करते हैं, टोटल वैल्यू को लेते हैं, लेकिन अगर हम नेट में लेते हैं तो नेट में जो है क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन की वैल्यू को भी लेते हैं, डिप्रिसिएशन की वैल्यू को नहीं लेते हैं। और ग्रास में क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन की वैल्यू को लेते हैं। तो अगर ग्रास प्रोडक्ट की आप बात करें, ग्रास नेचुरल प्रोडक्ट की, तो जो टोटल प्रोडक्ट की कास्ट है वन ईयर में वो आपका हो जाएगा सीएनपी। और अगर हम बात करते हैं एनएनपी की, अगर हम बात करें तो अगर हम जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन कर दें तो एनएनपी का आ जाएगा, ठीक है ना। जीएनपी में से हम क्या करें, अवमूलन को हटा दें तो हमारा नीचे जा जाएगा। अब मेन बात यह आती है कि संपत्ति का जो रख रखाव होता है, ये करने के भी कुछ लाभ होते हैं। संपत्ति की वैल्यू बनी रहती है, जो भवन होता है और उसका स्ट्रक्चर होता है वो सही बना रहता है, ठीक है। जो भी सामान में जनता आ रही है जा रही है उसको देख के क्या होते हैं, देख के प्रसन्न होते हैं और भली भांति उनका रख रखाव और अच्छा करने से बिल्डिंग की जो प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखें तो आप एक यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार इन सारी चीज़ों को सही रखने से क्या होती है, हमारी जीएनपी की इफिशियंसी बढ़ जाती है, जीएनपी हमारा अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। अब चित्र में आप एक साइकिल देख सकते हैं, इस साइकिल में जीएनपी को बढ़ाने के लिए कई सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए सबसे पहले क्या है आपका, अब अगर इस ऊपर वाले से बात करें, भवन संरचना का अगर आप अच्छे से रख रखाव करेंगे तो दो फायदा होगा। पहला क्या होगा, उपभोक्ता और व्यक्ति का क्या होगा, उच्च मनोबल बढ़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक डायग्राम पर थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, भवन संरचना का अगर रख रखाव करेंगे तो दो तरीके से फायदा है। पहला तो फायदा जो होता है वो क्या होता है, वो उपभोक्ता को फायदा होता है, उपभोक्ता व्यक्ति का क्या होता है, मनोबल बढ़ता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, नीचे डायरेक्शन में दूसरा क्या होता है, अन्य संरचनाओं का भी अच्छा रख रखाव हो जाता है, ठीक है ना। अब ये जो आपका उपभोक्ता का मनोबल बढ़ रहा है, ये दो भाग में होता है। पहला तो एक उचित व्यवहार अच्छा हो जाता है और उच्च क्या हो जाता है, निष्पादन हो जाता है, ये दो चीज़ें हो जाती हैं। अब उसके बाद तीसरा भी आता है, संरचना का अच्छे तरीके से रख रखाव हो जाता है। जब संरचना का आप अच्छे से रख रखाव करेंगे तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। जब उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो वही प्रोडक्टिविटी हमारा क्या होगा, जीएनपी के रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ आया होगा, हमने इसको काफ़ी तोड़ तोड़ के पढ़ा दिया है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका एक एरो इधर से है, एक एरो इधर से है, दोनों का दो एरो जो है उत्पादकता को ही बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरह से आपका क्या हो जाता है, उत्पादकता आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ने से आपकी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भवन के जीवन काल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लाइफ साइकिल को हम कितने चीज़ों में बांट सकते हैं, या फिर जो लाइफ ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है ना, लाइफ ऑफ बिल्डिंग को हम कितने चीज़ों में बांट सकते हैं। तो जो लाइफ ऑफ बिल्डिंग है आपका, लाइफ ऑफ बिल्डिंग को हम तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अगर हम बात करें तो हमारा भौतिक जीवन होता है जो फिजिकल लाइफ होता है। और देखिए फिजिकल लाइफ क्या है, भवन की संरचना को मजबूत एवं सुदृढ़ मानकर इसका जीवन का लगभग अनंत कोटि का माना जाता है, ठीक है ना। और यदि इसकी नियमित एवं नियोजित मेंटेनेंस सावधानी पूर्वक की जा रही है, मतलब कहने का सेंस क्या है, अभी तो मैंने आपको सेंटेंस पढ़ा, इसका कहने का सेंस ये है कि अगर आप एक बिल्डिंग को बिल्कुल अच्छे तरीके से रख रहे हैं, सही तरीके से रख रहे हैं, तो बिल्डिंग की जो एज मानी गई है वो अनंत मानी गई है। अनंत का मतलब आप समझ रहे हैं कि बिल्डिंग का जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा साल तक चल सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अनंत तो कह दिया गया है, लेकिन फिजिकल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है ना, एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता नहीं, अनंत तो नहीं होता है, हाँ, लेकिन फिर भी बहुत होगा तो 100-200 साल तक बहुत आराम से जीवन चल जाएगा। दूसरा देखिए लाइफ क्या है आपका, दूसरा फंक्शन लाइफ है। फंक्शन को क्या बोलते हैं, क्रियाकारी जीवन। क्रियाकारी जीवन में क्या होता है ना, एक भवन जिसे मूल सुविधाओं के अनुसार बनाया गया हो तथा एक समय आने पर उन सुविधाओं को खो देता है, क्योंकि कुछ सामाजिक व तकनीकी परिवर्तनों के कारण उसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसे में परिवर्तन को
भवन में लाने का प्रयास किया जाता है अथवा भवन की उपयुक्तता के आधार पर अन्य उपायों को प्रयोग में लाया। देखिए कहने का सेंस क्या है, ये चीज़ कह रहा है कि जो एक भवन होता है वो एक आदमी के सुख सुविधाओं के अनुसार बनाया गया होता है, उसमें वो काफ़ी आसानी से रह, लेकिन एक समय आने के बाद क्या करता है, इंसान सुविधाओं को खो देता है किसी न किसी नेचर के कारण। ठीक है, जब कुछ सुविधाओं को खो जाता है तो ऐसे परिवर्तन को भवन में लाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना, जिससे क्या किया जा सके, जिससे अन्य उपायों को प्रयोग में लाया जा सके। वही आपका क्या होता है, फंक्शनल लाइफ होता है। तीसरा क्या है, इकोनॉमिकल लाइफ। इकोनॉमिकल लाइफ का क्या मतलब है, इकोनॉमिकल लाइफ आपका पैसे से संबंधित है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पैसा अच्छा होगा, पैसा बढ़िया होगा, तो आप अपने बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस आप उतना अच्छा ही करवाएंगे, मेंटेनेंस को रेगुलर करवाएंगे, और आपसे उम्मीद किया जाएगा कि आप अपने बिल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है ना, उपरोक्त मतलब अभी तक हमने आपसे जितने पढ़ा इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रत्येक भवन होती है ना उनमें अनुरक्षण का आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, एक फिक्स टाइम तक अनुरक्षण करने से जो भवन की आयु होती है, भवन की आयु क्या होती है, भवन की आयु लंबी हो जाती है, भवन टिकाऊपन हो जाता है, और लंबे समय के लिए क्या होता है, सर्विसेबल हो जाता है। ठीक है ना, अब भवन के अनुरक्षण एवं सेवाओं के विषय में सार्वजनिक काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ठीक है ना, इस पर क्या होता है, अनुरक्षण और मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है। स्ट्रक्चर डिजाइन जो हो गया उसका, लॉन्जेविटी हो गई, ठीक है, इन सारी चीज़ों में पैसा काफ़ी ज़्यादा लगता है। जो आपका वर्कमैनशिप है इसमें पैसा लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुरक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अनुरक्षण के हम कुछ उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे, जो मेन इसके उद्देश्य होते हैं। पहले अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो भवन का निर्माण तथा इसमें आवास करने वाले रक्षियों की सुविधाओं व सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए बनाया जाता है। देखिए, कोई भी जो बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग का पहला पर्पज यही होता है कि जो लोग उसमें रह रहे हैं हम उन्हीं के अनुसार बनाएं। ठीक है, ऐसे स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग है तो स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग जो होगी वो बच्चों को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। ठीक है, और अगर कोई हॉस्पिटल होगा तो मरीजों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग जो भी प्रकार की आपकी संरचना होती है, हर एक संरचना अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ों के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और जो भी भवन में रहने वाले उसमें व्यक्ति हैं वो सुरक्षित रह सकें तथा उनकी उनको कोई खतरा ना रहे, इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अब देखिए, अगर हम पहले ऑब्जेक्ट की बात करें तो भवन की संरचना और उसकी जो सेवाएँ होती हैं उनको रखा जाता है, ये मूल मानकों के अनुसार बनाए जाते हैं। मूल मानकों को कहने का सेंस क्या है, ये एक स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए जाते हैं। जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट हमको बोलती है, ये जो स्टैंडर्ड हमारे कोर्स में या बिल्डिंग गाइडलाइंस के अनुसार है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। दूसरा क्या है, भवन के सुदृढ़ व स्वस्थ कंडीशन में अच्छी सेवाओं के साथ अच्छी सेवाओं के लिए बनाए रखना। क्योंकि जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग को क्या करना है, एक मजबूत बनाए रखना और सही कंडीशन में रखने के लिए सेवाएं अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि भवन से जो भी सेवाएं प्राप्त हो रही हैं क्या करना सुधारना चाहिए। भवन में जो भी सुविधाएँ हैं, जो भी सेवाएँ हैं, उनको हमेशा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब क्या है, भवन की वंचित वैल्यू बनाए रखना। वंचित वैल्यू का सेंस क्या है, जो भवन की आपकी वैल्यू है उस वैल्यू क्या करें बनाए रखना। भवन की संरचना में अगर कोई टूट फूट हो जाती है, खराबी होती है, तो क्या कर लेंगे, उसको सही करना। ठीक है, भवन के लिए क्या करना, नियमित व योजनागत अनुरक्षण कार्यक्रम चलाना। ठीक है, तो यही पॉइंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, अनुरक्षण को परिभाषित करें तथा इसे किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये पूछ रहा है कि हमारा मेंटेनेंस क्या होता है और उसको कितने भागों में हम डिवाइड करें। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस दो तरह से होता है, एक सुधारक होता है, दूसरा निवारक होता है। सुधारक को अंग्रेजी में हम करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं और निवारक को हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन मेंटेनेंस। क्योंकि करेक्टिव और प्रिवेंटिव नाम से पता चला, करेक्टिव में क्या करते हैं, ये सामान्य विधि है जिसकी हम क्या करते हैं, जो मरम्मत होता है ना, मरम्मत करके इसको फिर उसी स्थिति में लाया जाता है। अगर बिल्डिंग में कोई खराबी या टूट आ गई है तो इसको मरम्मत करके फिर इसकी ओरिजिनल स्थिति में ला दिया जाता है, मतलब चीज़ों का पुनर्स्थापन कर दिया जाता है। ठीक है ना, इस विधि को हम क्या करते हैं, सुधारक अनुरक्षण की श्रेणी में रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें,
जैसे जो दीवार और छतें और दरारें हो गए, इन सब की मरम्मत करना, सीलन आदि जो बिल्डिंग में लग रहे हैं, इन सारी चीज़ों का मरम्मत करना। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रिवेंटिव आता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आता है। इसमें क्या होता है, जो भी वस्तुएं आपके बिल्डिंग में प्रयोग की जा रही हैं, जो भी क्रियाशील वस्तुएं प्रयोग की जा रही हैं, ठीक है ना, ये उनके बारे में है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपके प्रिंटिंग में बहुत सारे मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपका पेंट हो गया, टिप कोटिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है, वाटर प्रूफिंग हो गया, ठीक है ना, प्लास्टरिंग हो गया, तो छतों वतों के आपके लेयर्स निकल जाते हैं, उन लेयर्स को लगाना, ठीक है ना, और नॉर्मली जो टूट फूट होती है वो होना, और अगर किसी चीज़ को बिल्डिंग में आपको रिप्लेस करना है तो जिस तरह अगर ये रिप्लेस करना है तो उसका प्रयोग उसमें किया जाता है, ठीक है ना। दरवाजों पे पॉलिश करना, घरों में पेंट लगाना, जो घरों के आपके दीवार होते हैं उन पे रेगुलर पेंट करना, जो आपके लोहे के सामान है लोहे के सामान पे अलग पेंट करना, जितनी भी टाइप्स की जो चीज़ें होती हैं अलग अलग, उन सारी चीज़ों का अलग अलग जो मेंटेनेंस होता है वो किस में आता है, सुधारक अनुरक्षण में आता है, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, इस आधार पर निवारक अनुरक्षण को प्राथमिकता दी जाती है। निवारक अनुरक्षण जो होता है यानी प्रिवेंटिव होता है। प्रिवेंटिव में क्या होता है, एक पूरे बिल्डिंग के मेंटेनेंस के बारे में आता है। इसी वजह से क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा वोट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, तो मरम्मत और अनुरक्षण को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से घटक हैं जो मरम्मत और अनुरक्षण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, या तो इस क्वेश्चन को एक अलग तरह आप देख सकते हैं, भवन अनुरक्षण के कारण जो प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं थोड़ा स्टार्टिंग से, क्या क्या वो खान सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आगे आता है, ऐसे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिपेयर और मेंटेनेंस, क्योंकि व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो भवनों में रिपेयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता हर एक पीरियड के बाद पड़ता है, एक निश्चित पीरियड के बाद पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं सारी चीज़, जैसे वायु की भवन की वंचित आयु का मतलब क्या है, एक अप्रॉक्सीमेट एज या फिर एक्सपेक्टेड एज, जो हमारी बिल्डिंग है वो 40 साल तक चल जाएगी, 50 साल तक चल जाएगी, 60 साल तक चल जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, भवन के अनुरक्षण की अनुमानित लागत। अनुमानित लागत का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड कास्ट, जो आपकी भवन बन रहा है उसका एस्टिमेटेड कास्ट कितना आएगा, ठीक है, एस्टिमेटेड कास्ट कितना आएगा। तीसरा आपका क्या है, वंचित भौतिक स्रोत, मतलब जो आपके रिक्वायर्ड फिजिकल रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से फिजिकल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके बिल्डिंग के बनाने में, फिजिकल का सेंस वो सारी चीज़ आ जाएगा, भाई सीमेंट हमको आवश्यकता पड़ेगा, एग्रीगेट पड़ेगा, आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, सामान की आवश्यकता पड़ेगी, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, फिजिकल में ही आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका है आगामी यूज। आगामी यूज का मतलब फ्यूचर यूज, आपने आज बना दिया उसको फ्यूचर में आप कैसे यूज करेंगे, हो सके फ्यूचर में एक्सपेंड करना होगा, फ्यूचर में कम करना होगा, जैसी भी चीज़ें, ये सारे पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अनुरक्षण की आवश्यकता, ठीक है ना। अनुरक्षण की आवश्यकता में अर्जेंसी ऑफ मेंटेनेंस उस चीज़ के बारे में आ जाता है, ठीक है। छठवां आपका आ जाता है सोशल कंसिडरेशन, सामाजिक पहलू के बारे में भी चीज़ों को हमको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ एक एक चीज़ों को तोड़ फोड़ के दिया, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका क्या दिया है, भवन की वंचित आयु, भवन की वंचित आयु का, देखिए हमेशा हम भवन को ये मान के चलते हैं कि भवन की जो वंचित आयु है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे भवन जो बनाया गया है वो उसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज हुए हैं, किस मतलब मिस्त्री के द्वारा बनाया गया, किस मेथड के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना, उसकी डिजाइनिंग किस तरह की गई है, इसमें काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो आपके इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर जो वंचित आयु है वो अगर आप बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग का प्रॉपर मेंटेनेंस करें, जो ईयरली मेंटेनेंस होता है बिल्डिंग का, बिल्डिंग का अगर ईयरली मेंटेनेंस करते हैं तो वार्षिक मेंटेनेंस करते हैं, इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका आ जाता है
भवन के अनुरक्षण की अनुमानित एस्टिमेटेड कास्ट के बारे में, देखिए जो आपका मटेरियल कास्ट हो गया, जो सामान्य लकड़ी है मटेरियल कास्ट हो गया, दूसरा लेबर चार्ज आता है, इन दो चार्जों को जोड़ के हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ पता लगा लेते हैं कि हमारी बिल्डिंग में खर्चा कितना आ रहा है। और जो हमारी बिल्डिंग में सबसे मुख्य लागत होती है वो कुल आगत की 70 या 90% होती है, ठीक है ना। अनुरक्षण का जो लागत होता है ये काफ़ी कम होता है, ये लगभग 10% का होता है, 10 से 15% का होता है, लेकिन जो आपका इसके अलावा है वो लगभग 70 से लेकर 90% तक होता है, ठीक है ना। तीसरा क्या है, रिक्वायर्ड फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में दिया है, क्योंकि भवन में अनुरक्षण कार्य के लिए जो पदार्थ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या करना चाहिए, श्रम सेवाएं एवं उपकरण आवश्यक होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होते हैं, ठीक है ना, और उनको अलग अलग स्रोतों के रूप में क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। अगला आपका आता है फ्यूचर यूज, कुछ फ्यूचर यूज करने का सेंस क्या है, आपने कुछ बना दिया, कुछ चीज़ें कर दी, कुछ डिजाइन कर दी, लेकिन क्या होना चाहिए, फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए और फ्यूचर में हम इसको अपडेट कर सकते, इस तरह की होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि चीज़ों को बना दिए तो फ्यूचर में हम इसका क्या कर पा रहे हैं, फ्यूचर वर्षन यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो भवन की आगामी मतलब आने वाले टाइम में उपयोग के लिए भी इस चीज़ को ऐसा बनाना चाहिए कि हम उसको आने वाले टाइम में यूज कर सकें, ठीक है ना। अगला आता है अनुरक्षण की आवश्यकता, अनुरक्षण की आवश्यकता सभी अलग अलग है, भवन की मरम्मत तथा अनुरक्षण की आपातकालीन प्रतिक्रिया भी होगी, ठीक है ना। इसमें तो देखिए क्या होता है, आपातकालीन में भी आपको क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, जैसे किसी भी घर में अचानक कोई फंक्शन पड़ गया, कोई शादी पड़ गई, तो एक हफ्ते का टाइम है, फिर हफ्ते का टाइम है, तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है, बिल्डिंग को मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या जाते हैं, जैसे जो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं वो तो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिफ्ट भी लगे होते हैं और इनमें काफ़ी हाई इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, ठीक है ना, हाई कास्ट इक्विपमेंट लगे रहते हैं, इसके वजह से काफ़ी टाइम आ जाता है, ठीक है। और अगला चीज़ हमारा आता है, लेकिन छोटे बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो छोटे बिल्डिंग में इस तरह दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करते हैं सामाजिक पहलू, सामाजिक पहलू का सोच क्या ये है, समाज में इतने सारे लोग हैं, जिनकी नज़र आपके घर पर होती ही होती है, ठीक है ना। तो अगर आपका घर मेंटेन नहीं है, आप हर चिंता की दिक्कत है, तो ही क्या होगा, वो इस चीज़ को देख के काफ़ी बुरा फील कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, जब अनुरक्षण चालू हो जाए तो कुछ चीज़ों से हमको बचना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा शोर हो गया, ठीक है ना, असुरक्षा हो गया, धूल का उत्पन्न होना, दुर्गंध आना, ठीक है ना। और हमारे मेंटेनेंस के कारण जो सामाजिक बात सेवाएँ हैं वो बाधित ना हो, या फिर जो हमारे कॉलोनी के अंदर के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक ना हो, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुरक्षण के सामाजिक लाभों को समझाइए। अच्छा, अनुरक्षण के सामाजिक लाभ के लाभ क्या है, सामाजिक लाभ मतलब अगर आप समान में हैं तो उसके लाभ क्या हैं, पहला क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या करता है, ढांचों का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तीसरा क्या है, देखने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगता है, मतलब एस्थेटिक्स बढ़ाता है, एस्थेटिक व्यू बहुत बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, सुधारक अनुरक्षण एवं निवारक अनुरक्षण में अंतर होता है, ये भी हमने आपको बताया था। सुधारक क्या किया जाता है, सुधारक एक समान विधि होती है जिसमें क्या किया जाता है, रिपेयर हम करते हैं और उसके बाद रिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब उसको फिर ओरिजिनल स्टेट में बिल्कुल ला देते हैं, ठीक है ना। जैसे छत व दीवारों की मरम्मत करना, सीलन आदि से खराब हुई चीज़ों की मरम्मत करना, ठीक है। निवारक में क्या होता है, ये अमूर्त वस्तु की क्रियाशील कंडीशन है जो इसके जीवन काल को स्वस्थ रहने के उसके डिपेंड करता है, ठीक है। निवारण अनुरक्षण में क्या होता है, वस्तुओं को नियमित रूप से ठीक रखने के लिए आवश्यक उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में दो चीज़ें हैं, पहला क्या है, भवनों का अनुरक्षण पद्धति और भवनों का सामाजिक पद्धति। तो पहले बारे पढ़ते हैं भवनों का अनुरक्षण पद्धति, अनुरक्षण पद्धति की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार से होता है, एक सुधारक अनुरक्षण पद्धति और एक होता है निवारक अनुरक्षण पद्धति। सुधारक की अगर हम बात करते हैं, ये एक सामान्य पद्धति है जिसे मरम्मत एवं स्थापित कार्य उस स्थिति में किए जाते हैं जबकि
जो कि हमें आइटम की क्रिया में असफल हो जाता है तथा जब कोई भी चीज़ क्या है अपने स्टैंडर्ड से नीचे जा रहा है और हमको वहाँ पर बनाना ही है। तो एग्जाम्पल के साथ पर समझ सकते हैं कि आपकी चित्र सिलेक्ट नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसको कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं से उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ बताया। दूसरा क्या है, निवारक अनुरक्षण पद्धति में क्या किया जाता है, नियमित रूप से वस्तुओं को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, देखभाल करते हैं। दूसरा वाला आता है जिसके सामाजिक लाभ आता है, तो सामाजिक लाभ में आपको बताया कि प्रॉपर्टी बना रहता है, कंडीशनल चीज़ें बनी रहती हैं, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, हमने आपको बता दे रखा थी। अब बात आती है कि संक्षिप्त टिप्पणी के लिए, पहला आता है अनुरक्षण के उद्देश्य और दूसरा होता है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुरक्षण के उद्देश्य के कुछ प्रकार के आप देख सकते हैं, भवन की संरचना एवं उनकी सेवाओं के मूल मानकों के अनुसार बनाए रखना, मतलब जो गवर्नमेंट कहती है उसके अनुसार उसको बनाए रखना। दूसरा है भवन को सुदृढ़ और स्वस्थ कंडीशन में अच्छी सेवाएं बनाने के लिए, मतलब सेवाएं अच्छी हैं, सर्विसेज अच्छी हैं, उसके लिए भी क्या बहुत जरूरी है। भवन से प्राप्त होने वाली सेवाओं को ढूंढना, भवन से जो भी सेवाएं प्राप्त करी हैं उसका क्या जो खुल गई है, भवन की वंचित भी रखना, भवन की वंचित ठीक है ना। नेक्स्ट हम आते हैं भवन के अनुरक्षण कार्य में शुरू करने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना, क्योंकि जब हम मेंटेनेंस स्टार्ट करते हैं तो मेंटेनेंस के पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मैन पावर है, जो वर्कर है, वर्कर आपके पर्याप्त होने चाहिए, ठीक है ना। और जो भी वर्कर हों, एक्सपीरियंस वर्कर हों और पहले मेंटेनेंस का काम किए हों, मेंटेनेंस में जो भी हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल अच्छे सॉरी जो भी मटेरियल मतलब फिनिश मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। मरम्मत कार्य के लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए कि काफ़ी आसानी से जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया है, अगला सिलेंडर ब्लैंक दीजिए, मैं इसको बता दूँगा सिलेंडर ब्लैंक बता रहे हैं क्या मेंटेनेंस के उद्देश्य क्या होता है, मेंटेनेंस का उद्देश्य रख रखाव करना होता है, ठीक है। और क्या होता है, पदार्थ का क्षय उनकी आयु के साथ साथ विभिन्न सर्विसेबल कंडीशन के कारण उन पर क्रिया करता है, ठीक है। भवन अनुरक्षण वह कृत है जिसमें भवनों को उनकी नियमित अनुरक्षण में रखा जाता है। भवन का अनुरक्षण लागत दो प्रकार से हो सकता है, प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष, ठीक है। अब एक आपका बच के बलों भवनों को दीर्घकाल तक कंडीशन में रखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है, फिर आपसे मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है।